बिहार में आरजेडी दिग्गजों पर हुई सीबीआई कार्रवाई को लेकर राजनीति जारी है। एक दिन पहले तेजस्वी ने मोर्चा खोला तो दूसरे दिन राज्यसभा सांसद मनोज झा सामने आए और कहा कि सीबीआई और ईडी को जनता देख रही है, अगर जनता सड़क पर उतर जाएगी तो इनको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान मनोज झा ने कहा कि सीबीआई अगर फिर से रेड मारती है तो आरजेडी कार्यकर्ता उन्हें गुलाब का फूल देंगे। अगर जन समर्थन मांग ले कि देखो तुम्हारे दलों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, गरीब गुरबों की बात करने वाले नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं, तो यकीन के साथ कहता हूं सीबीआई के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, ईडी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे, आईजी के लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। ये धमकी नहीं है, ये आईना दिखा रहे हैं। आईना देखिए, बिहार के लोगों में बहुत आक्रोश है। तो वहीं मनोज झा के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो महागठबंधन ने मनोज झा के बयान का समर्थन किया है। देखिए, जो कहते हैं कि जंगल राज, जब हम उधर रहते हैं तो कहते हैं कि जंगल राज आ गया, इधर आते हैं तो कहते हैं मंगल राज हो गया, तो निश्चित रूप से इसका द्योतक है और खुद अपने बयान देते हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं कि जंग रोड पर जब उतार देंगे तब, यानी गुंडागर्दी करेंगे, और उनके नेता ही इस बात को खुद बोलते हैं कि कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है उसको हम ठंडा कर देंगे। और इस लिहाज से जो जब संस्थाएं जनता का काम नहीं करे तो जनता को उसके खिलाफ तो सड़कों पर आना पड़ता है। आप देखते हैं कि पुलिस जब जुल्म करती है और नजायज तरीके से काम करने लगती है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो स्वतंत्र एजेंसी है, क्यों घर से निकाले उनको, लेकिन स्वतंत्र निष्पक्ष काम करना चाहिए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम करेंगे, जनता सब देख रही है, जनता इसका जवाब देगी, लेकिन आपको बता दें वह स्वतंत्र एजेंसी है, उसको स्वतंत्रता से काम करना चाहिए, निष्पक्ष काम करना चाहिए। ये मनोज झा जी नहीं, पूरा देश कह रहा है, पूरा देश के ऊपर ताड़ित कर रहा है, लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गद्दी गई आई लगा रहता है, ये देश से प्रदेश से अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता चुनेगी। आज जमा खा है, अगर काम नहीं करेंगे तो आएगा, लेकिन किसी को ये समझ कर कि मेरे नहीं है, उनके साथ विरोधी समझ कर कार्रवाई करेगा, निश्चित तौर जवाब जनता देगी।